आजकल खुतबात में रोज़ उहद का जिक्र हो रहा है, जैसा कि जिक्र हुआ था कि मुसलमानों ने आम जंग में काफ़रों को सख्त नुकसान पहुँचाया और वो भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकदीर हुक्म के बावजूद भी जब दर्रे की हिफाजत पर मामूर अक्सरियत ने दर्रा खाली कर दिया तो दुश्मन ने उस तरह से हमला किया और मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि जब मुशरिकों के परचम बरदार एक एक करके कत्ल हो गए और कोई शख्स भी अब परचम उठाने या उसे करीब आने की हिम्मत ना कर सका तो एकदम मुशरिक पसपा होने लगे और पीठ फेर कर भागने लगे। उनकी औरतें भी जो कुछ ही देर पहले पुरमसरत लहजों और पूरे जोश व खरोश से तफ बजा बजा कर गा रही थीं, दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागी। मुसलमानों ने दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करके उनके हथियार लेने और माले गनीमत जमा करने लगे। उसी वक्त मुसलमानों का वो तीरंदाज दस्ता जिसको आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पर तैनात करके हुक्म दिया था कि किसी भी हाल में अपनी जगह से ना हिलें, वहाँ से माले गनीमत जमा करने के लिए भागा। ये कहा जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस दस्ते के अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उनको सख्ती से मना किया कि इनको किसी हाल में भी यहाँ से हटने का हुक्म नहीं है, मगर वो लोग नहीं माने और कहने लगे मुशरिकीन को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे। या कि ये कहकर वो लोग पहाड़ी से उतर आए और माले गनीमत जमा करने लगे। अगरचे उनमें से अक्सर लोग अपनी जगह छोड़ चुके थे, मगर इनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और कुछ दूसरे सहाबा अपनी जगह जमे रहे, जिनकी तादाद 10 से भी कम होगी। उन्होंने नीचे जाने वालों से कहा, यानी दर्रे से जो नीचे उतरे थे, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करूँगा। उनके अमीर ने यह कहा।